अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्ज़ाम्स जो हैं वो किस तरह क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे एक एग्ज़ाम का एक बटन है, उस पर आपने क्लिक करना है। इसमें कुछ ऑलरेडी पहले से कुछ एग्ज़ाम्स क्रिएट हुए हुए हैं, तो हम एक नया एग्ज़ाम क्रिएट करते हैं। टॉप राइट पे आप देखेंगे प्लस का एक बटन आपको नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और ये कुछ नई फील्ड्स आपके सामने आएंगी जिसके अंदर आप डिटेल्स, आपको जिस तरह पता चल रहा है कि नेम, अब लेट्स सपोज कोई मंथली टेस्ट है, कोई टर्म एग्जाम है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम बनाने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसमें लिखता हूँ सेकंड टर्म, यहाँ पर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें एग्जाम के रिलेटेड तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स हैं बेसिकली, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर कुछ टर्म एग्जाम्स होते हैं, वो साल में 2 या 3 दफा होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइनल टर्म, और कुछ मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं, वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं, और कुछ भी मतलब किस तरह की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। तो इसमें से लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ टर्म एग्जाम। सबसे पहले आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट से पहला एग्जाम है और कब तक ये आखिरी जाना है। तो इसमें मैं सेट करूंगा इस अप्रैल की, लेट्स सपोज मैं डेट सेट कर देता हूँ 15 अप्रैल स्टार्ट डेट रखता हूँ, और एंडिंग डेट में रख देता हूँ 25 अप्रैल। उसके बाद आपने क्लासेस सेलेक्ट करनी है। ये सिलेबस स्टार्ट डेट और एंड डेट है, ये मैं आपको, ये एक और जगह पे आपने सिलेबस क्रिएट करना होता है, ये मैं आपको बाद में एक और वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आपने क्लासेस सेलेक्ट करनी है कि कौन कौन से आपकी क्लासेस का, ये जो एग्जाम्स हैं ये कौन कौन सी क्लासेस पे एप्लीकेबल होंगे। तो किसी, अगर लेट्स सपोज इन एनी केस अगर किसी एक क्लास पे है तो आप एक ही क्लास को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यू नीड टू प्रेस कंट्रोल, और आप इस तरह मल्टीपल आप क्लासेस जो हैं वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे। इस केस में मैं ये 2-3 क्लासेस सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्रिएट एग्जाम कर देता हूँ। तो इस तरह ये एग्जाम क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह लिखा हुआ है इवेंट एडिड सक्सेसफुली, आपने देखना हो उसकी डिटेल्स वगैरह, तो ये देखिए नीचे कुछ पहले से भी एग्जाम्स बने हुए थे तो वो भी डेट्स आ रही हैं। ये टर्म एग्जाम का एक पोर्शन है, इसके अंदर आपको ये मैंने आखिरी जो आपको नजर आ रहा होगा ये मैंने अभी क्रिएट किया है, और ये आपको ऊपर अगर टैब में देखेंगे ये मंथली एग्जाम्स हैं, अगर आपने मंथली एग्जाम्स बनाए हुए हैं, कुछ वीकली टेस्ट वगैरह बनाए हुए तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो जी ये तरीका है इसमें, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एडिशन बता दूं। लेट्स सपोज अब आपने उसके बाद एग्जाम तो क्रिएट कर दिया, अब आपने टाइमिंग्स भी असाइन करनी होगी कि किस दिन को कौन सा पेपर और किस कितने बजे होगा। तो लेट्स सपोज मैं इसमें, यहाँ पर आपको एक बटन नजर आएगा ब्लू कलर का असाइन टाइमिंग्स के नाम से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये इस तरह एक आप कह लें एक डेट शीट टाइप एक चीज आपको यहाँ पे विजिबल होगी। इसमें जो जो क्लासेस आपने सेलेक्ट की थी इनके क्लासेस, उनके जो सब्जेक्ट्स उनको ऑलरेडी असाइन हुए हुए हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी, तो आप यहाँ पे उनके टोटल मार्क्स सेट करना है, डेट किस दिन है, स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन कितने बजे, मतलब कि 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, और इसको मतलब आपको बारी बारी हर एग्जाम हर पेपर को सेलेक्ट करके उसकी चीजें और आपको अपडेट करना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा ये आपको बारी बारी हर पेपर का अलग अलग करना पड़ेगा। तो जी बस थैंक यू जी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं कि इस बटन के थ्रू ये टॉप राइट पे जो आपको नजर आ रहे हैं सेंड डेट शीट टू पेरेंट्स, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक एसएमएस जो है वो भी जनरेट हो जाएगा पेरेंट्स के नंबर पे, और उनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी उनको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू जी।